हाय डियर व्यूअर्स, आई एम बी पंडित, द डायरेक्टर ऑफ मिरेकल इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं सेमेस्टर वन का जो बिनोद भावे यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया आपका, जो सेशन 2023 से लेकर के 27 का, उसी को मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर कि सर पेंडिंग क्या होता है और प्रमोटेड कौन करते हैं लोग और पास कौन कर गए, तो उसी को समस्या का मैं निदान लेकर के आया हूँ। और आखिर इतने सारे बच्चे लोग जो है प्रमोटेड क्यों कर जा रहे हैं इस सेमेस्टर वन में, आपका जो है मैट्रिक और इंटर से कहीं ज़्यादा इसका खराब रिजल्ट जा रहा है, तो ये क्या कारण है, समझिए ना। और आप लोगों का जो रिजल्ट आया है वो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का आया है। और एक अच्छी बात ये भी है कि आप लोगों को जो है रिजल्ट जारी करने के बाद आप लोगों को जो है मार्कशीट भी जो है वो अपलोड कर दिया गया है साइट पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, वैसे विद्यार्थी जो लोग मतलब कि हु हैव गॉट देयर रिजल्ट, जिन्होंने अपना रिजल्ट मतलब कि ले लिया है, समझिए ना, वह जो लोग पास कर गए हैं। क्योंकि आप बोलिएगा कि सर क्यों स्पेशल कॉन्ग्रेट कर रहे हैं उन लोगों को, कारण है कि आपका रिजल्ट को अगर बोला जाए तो आपका 60% लोग फेल कर गए हैं, समझिए ना, और मात्र आपका 40% ही रिजल्ट गया है। और अभी बच्चे लोग जो है चाह करके भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ना ही तो वो यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा सकते हैं। कारण इसका क्या है कि अभी आचार संहिता भी लगा हुआ है और अभी छठ महापर्व को लेकर के छुट्टियां भी चल रहा है। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये रिजल्ट उसी समय देगा जिस समय आप लोग जो है अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाइएगा, समझिए ना। और मैं पहले भी आगाज कर दिया था, पहले मैंने वीडियो में बोला था कि रिजल्ट आप लोगों को संभवतः नवंबर में आ ही जाएगा। और मैंने सूत्रों से पता चला बिनोद भावे यूनिवर्सिटी से कि रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा नहीं है, लगभग जो है 40% ही बच्चे लोग पास किए गए हैं और 60% लोग फेल कर गए हैं। तो इसका मेन रीजन है जो मैं बताऊंगा कि क्या कारण है। सबसे पहले मैं जो बताऊंगा यहाँ की प्रमोटेड स्टूडेंट कौन है, तो मैं प्रमोटेड स्टूडेंट लोगों को भी मैं जो आप लोगों को जो है, मुझे खेद है थोड़ा सा कि आप लोगों का जो है रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन घबराना नहीं है आप लोगों को। प्रमोटेड मतलब क्या है, आपका रिजल्ट जो है आप सेमेस्टर टू के लिए प्रमोट हो गए, मतलब यू कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर टू। आप जो है सेमेस्टर टू के एग्जामिनेशन में आप अपियर हो सकते हैं, बेकऑफ आप अपियर हो सकते हैं, लेकिन आपका जो पेपर, जो जिस पेपर में आप क्रॉस कर गए हैं, आपका जैसे मेजर पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया, और फिर आपका एमडीसी पेपर हो गया, और बहुत सारा वोकेशनल कोर्सेस वगैरह हो गया, आपका इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, वो सब में अगर फेल कर गए हैं, इवन अगर आप इंटरनल में आपका रिजल्ट अगर अब्सेंट है और उसमें फेल किए हैं, तो इसका मतलब कि आपका फेल हो गया है। ये यहाँ पर तरीका चेंज कर दिया है, लेकिन प्रमोटेड मतलब आपका फेल ही होता है, समझिए ना। लेकिन प्रमोटेड और फेल में थोड़ा सा अंतर क्या है कि प्रमोटेड में आपको जो है क्या कह दिया है कि आप आने वाला एग्जाम को जो है लिख सकते हैं सेमेस्टर टू का, लेकिन फेल हो गए हैं तो आगे वाला एग्जाम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये भी है कि अगर आप सेमेस्टर वन का अभी एग्जाम नहीं लिखेंगे तो आपका डिग्री जो है आगे चल करके फंसने वाला है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है, समझिए ना। तो ये आपका जो है आपका, समझिए ना, तो ये मैं बता देता हूँ कि प्रमोटेड वाले लोग घबराएं नहीं, समझिए ना, आप लोगों का जो है मैं मदद करने वाला हूँ, समझिए ना।
वैसे लोग जो है मतलब कि अगर जो प्रमोटेड है वो कॉल लगा करके वो आप बात कर सकते हैं। डोंट टेक इजी, आपका बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है जब सेमेस्टर वन में, और मैंने बताया था पहले कि सेमेस्टर वन और टू बहुत खतरनाक होता है, अगर सेमेस्टर वन और टू में अगर आप पास कर गए तो मैं लीक करके पेपर पर दे देता हूं कि सेमेस्टर थ्री से आप बिल्कुल फेल नहीं होइएगा, क्योंकि आपको लिखने का तरीका जो है बिल्कुल आपके अंदर में आ जाता है, समझिए ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जो है इसको डोंट टेक इजी, सेमेस्टर वन को आप इजी ना लें। अगर गलतियां हो गई है तो उसको जो है आप, आपके पास जो है सात सात अभी सेमेस्टर बाकी है, आठ सेमेस्टर का है ये पूरा, सात सेमेस्टर आप लोगों का बाकी है, तो सात सेमेस्टर में आप जो है एक सेमेस्टर का अगर रिजल्ट आपका खराब हुआ है तो आप सात सेमेस्टर में अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग जो है जरूर कोई मेंटर से आप लोग गाइड लें जरूर, और आपकी सलाह लें और पढ़ें। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब का दौड़ लगाते हैं और गूगल का सहारा लेते हैं, नहीं, आप जो है किताबों को पढ़िए और सच्चे टीचर अच्छे टीचर का तलाश करके आप जो है कन्विंस होइए। और आपका मैं बता देता हूँ कि आपका जो है लास्ट में जो है मैं बोलना चाहूँगा कि ये आपका ज़्यादातर जो है ग्रेजुएशन में बच्चे लोग फेल करते हैं, लेकिन इंटर और मैट्रिक में जो है लोग झूठ मूठ का बदनाम हो जाते हैं, लेकिन इंटर और मैट्रिक में क्या होता है कि अभी रिजल्ट जो है आपका 80% और 90% जा रहा है, लेकिन आपका जो है ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है उतना परसेंटेज नहीं जा रहा है, मात्र 40% ही बच्चे पास कर रहे हैं। ये बड़ा कहीं ना कहीं दुखद वाली बात है। आप लोग जो है इसको इजी ले लेते हैं और सोचने लगते हैं कि आज हम एसएससी रेलवे का तैयारी करेंगे, सीजीएल का तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, आप करें, लेकिन ऑनर्स को आप जरूर पढ़ें और कोई टीचर का आप जरूर गाइडलाइन जरूर करें, समझिए ना। खास करके मैं प्रमोटेड स्टूडेंट लोगों को बोलेंगे कि डोंट लूज योर कैरेज, अपना साहस को मतलब कि लूज ना करें। मैं इंग्लिश ऑनर्स के सारे छात्रों को पढ़ाता हूं, अगर प्रमोटेड स्टूडेंट लोग अगर आप लोग जो है पढ़ना चाहेंगे तो आप लोगों को स्वागत है हमारा मिरेकल ऑफ लिटरेचर में, जिसमें ऑफलाइन के लिए जो है आपको मात्र 1000 में पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन के लिए 499 रुपया में आपको जो है पढ़ाया जाएगा। आप जो है इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ पर ये दिए गए नंबर पर 9546383049, सब ये ना, ये खास करके इंग्लिश ऑनर्स वाले। और एक और अच्छी बात क्या है कि आपको मेजर पेपर के साथ साथ माइनर पेपर, इंटरप्रेन्योरशिप जो है, और आपका वोकेशनल कोर्सेज का भी यहाँ पर आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। इसलिए आप लोगों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये गलतियाँ हो गई है तो वो गलतियाँ जो है सुधारिए और उससे सीखिए, समझिए ना। और ये छठ महापर्व के बाद आप लोग जो है सही ढंग से सही दिशा निर्देश से लगिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, समझिए ना। और आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, समझिए ना। आप लोगों को अगर क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का फी वगैरह को लेकर के जो है बहुत मिनिमम फी में आप लोगों को गाइडलाइन कर देता हूं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको जो है नोट्स मिलेगा, आसान भाषा में मिलेगा, सरल भाषा में मिलेगा, जो एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा मेरा नोट्स को, आप एग्जामिनेशन में नहीं भूलिएगा। बच्चे लोग क्या करते हैं, गूगल का और यूट्यूब से लैंग्वेजेस को लिखते हैं, जो लैंग्वेज प्रोफेसर लोग देखना नहीं चाहता है, जिसके कारण मैक्सिमम बच्चे लोग जो है आज प्रमोटेड कर गए हैं, फेल कर गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जो है डोंट लूज योर कैरेज, एंड आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो है छठ महापर्व को लेकर के भी जो है बहुत शुभकामनाएं, और आगे मैं जो है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, तो आप लोगों को जो है वॉच करना है, दैट्स ऑल। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।